किसी ने आई लव यू, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं मुस्कान, कहीं कोमल, कहीं कुछ, फिर कोमल। तो ये कोई आसिक है जिसने ये पूरी गाड़ी के कलर पे कुछ लिख दिया, जिसकी एक गाइस वेलकम बैक टू इंपोर्ट मोटर वर्क्स। दोस्तों मैं संकल्प पर स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 31 मार्च और जस्ट एक मिनट बाद होने वाली है 1 अप्रैल। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, एक मिनट होने वाली है 1 अप्रैल, बिकॉज ऑफ अभी 12:59 हो रहे हैं क्योंकि इसलिए। और अभी मतलब एक कस्टमर है, एक हमारे गुड़गांव से, हरियाणा से एक ऑडी A6 लेकर के आते हैं, एक ताऊ जी हैं, उनको प्यार से ताऊ जी बोलते हैं, और से बोलते ही नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी सारा काम हमसे कराते हैं वो। इवन आप ये मान के चलिए कुछ कि वो छोटा छोटा जो गाड़ियों के अंदर काम होता है ना, वो छोटे छोटे काम के लिए भी अपनी गाड़ी को गुड़गांव से यहाँ तक भेजते हैं, सर्विस से लेकर के अगर बम्पर भी गाड़ी के अंदर नया डलना है तो वो सारा काम इम्पोर्ट मोटर वर्क्स के अंदर ही उनकी गाड़ी का होगा, वो हर बार खुद ही आते हैं। तो आज उनकी गाड़ी के अंदर कुछ काम थे, वो कॉन्टेंट में नहीं ले पाया, और मैं क्यों नहीं ले पाया वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, आप समझ जाइएगा, मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँगा, आप समझ जाइएगा उसको वीडियो के अंदर देख करके कि मैं उसका गाड़ी का कॉन्टेंट क्यों नहीं ले पाया। मैं बता ही देता हूँ, पीछे मेरा आप देख रहे हो जो गाड़ियों का मेला लगा हुआ है, आज बहुत सारी गाड़ियाँ वर्कशॉप के अंदर थी, तो उनकी गाड़ी अब डिलीवर हो रही है, गाड़ी उनकी जा रही है अभी वर्कशॉप से। तो मनीष भैया ने उनका कोई एक्सपोर्ट वोट लिया हुआ है, तो इस वीडियो में उनका दिखाऊंगा, और हैप्पी कस्टमर है वो एक, और वर्कशॉप के अंदर कितने काम है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों, तो प्लीज़ बने रहिएगा। अभी गाड़ी कंप्लीट हो रही है, जो कि ये गाड़ी जाएगी गुरुग्राम हरियाणा, और ये कार हमारे पास गुरुग्राम हरियाणा से ही आती है। और अभी हमने इस गाड़ी में ना ये राइट साइड की हेडलाइट चेंज की है, बम्पर चेंज किया है, बोनट को पेंट किया है, फेंडर को भी पेंट किया है, ओके। और अभी ये कार जा रही है गुड़गांव रात के करीब करीब, कितने बज गए चौधरी अभी टाइम देगा? 12:08 हो गए हैं अभी, 12:08। तेरा आईफोन तो पूरा बेकार हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशॉप हो चुका है पूरा हाउसफुल, ये गेट से लेकर के ये देखिए, ये तो खड़ी है हुंडई की वरना, ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो, फोर्ड की फीगो, ये एस्ट्रो के आई है, इसमें कुछ स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, ये होंडा की सिटी, इसमें बॉडी जॉब हो रहा है, ये अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसमें सस्पेंशन का काम है, एसी का काम हुआ है, कूलिंग कॉइल भी इसकी रिप्लेस हुई है, ये अपनी टाटा की हैरियर, इसमें टेफ्लॉन कोटिंग और कुछ वॉशिंग और ट्रैकिंग वगैरह के काम हुए हैं। इस साइड ये है एर्टिगा, इसमें भी अपना सस्पेंशन और एसी का काम, ट्रैकिंग वगैरह। तो फॉर्च्यूनर मैंने आपको बता ही दिया। इधर है ये महिंद्रा की जाइलो, इसमें अपना सस्पेंशन का काम है और फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल सिस्टम का काम है। इस साइड ये है फॉर्च्यूनर, इसमें भी बॉडी शॉप का काम है। तो अब आगे हम आगे की साइड, यहाँ पर ये है मारुति अर्टिगा, इसमें सस्पेंशन का काम चल रहा है। इस साइड ये है BMW की 5 सीरीज, इसमें AC का काम चल रहा है, साथ ही साथ इसमें BCM ख़राब हो गया था, इसका ECM ख़राब हो गया था। इस साइड ये है BMW की X1, इसमें फ्यूल इंजेक्टर कॉमन रेल वगैरह ख़राब हुए हैं। और यह है ऑडी की A6, इसमें टेल लाइट रिप्लेस हो रही है, एयरबैग का काम है और इसके एयरबैग के सेंसर रिप्लेस हो रहे हैं। यहाँ पर यह है BMW की 3 सीरीज पेट्रोल, इसका अभी हमने इंजन का ओवरऑल काम किया है। यह है वॉल्सवैगन की वेंटो, जो कि हमारे पास कानपुर उत्तर प्रदेश से आई है, इसका कम्प्लीटली इंजन रिबोल्ड हुआ है। यह है BMW की X1, इस X1 में बेसिकली आगे की डैम्पर पुली होती है वो चेंज हुई है। इस साइड ये है वॉल्सवैगन वेंटो, जो कि हमारे पास ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई है, ये कम्प्लीटली पूरी गाड़ी फुली डेंट पेंट हुई है, और साथ ही साथ इसमें आगे का बम्पर रिप्लेस हुआ है, और कुछ अभी बेसिक पार्ट भी इसमें रिप्लेस हो रहे हैं, और कल सुबह इसमें मॉर्निंग में चारों टायर भी चेंज किए जाएंगे। और यह है टाटा सफारी, इसका इंजन ओवरऑल हुआ है। यह डस्टर, इसका भी इंजन ओवरऑल हुआ है। और ये सामने पर्दे में खड़ी है एक और BMW, उसका भी बॉडी शॉप का काम है और साथ ही साथ FRM का काम है। ये महिंद्रा की XUV, इसमें हम डाल रहे हैं इसकी कलच प्लेट, प्रेशर प्लेट, और इसका फ्रंट सस्पेंशन जो होता है उसको ओवरऑल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सस्पेंशन भी अभी खोल रखा है और सस्पेंशन भी ओवरऑल हो रहा है, और जो कलच प्लेट है वो भी हम यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसका गियर बॉक्स है, अभी खोला हुआ है प्रॉपर। ये है इनोवा
ये टोटल लॉस है एक तरीके से, लेकिन डेंट पेंट होने के बाद में ये कम्प्लीटली खड़ी हुई थी, फिर उसके बाद अभी उठी नहीं है। ये है स्कॉर्पियो, इसमें भी बॉडी शॉप का काम चल रहा है। फिर आगे आते हैं यहाँ पर, तो ये है हुंडई की वरना, इसका इंजन ओवरऑल हो रहा है, आप देख सकते हैं पीछे की साइड से काफ़ी वेट है, आगे की साइड से काफ़ी उठी हुई है। यहाँ अगर साइड से बात करें इधर, जैसे मैंने आपको बताया था टस्टर का इंजन ओवरऑल, ये है वोल्सवैगन की वेंटो, इसका भी इंजन ओवरऑल हो रहा है। यह है ऑडी की एसएक्स, इसमें फ्यूल सिस्टम का काम है जो कि अभी पेंडिंग में खड़ी हुई है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर यह है एक स्कोडा रैपिड, एक हैं क्लाइंट हमारे कस्टमर, वो खड़ा करके भूल गए गाड़ी को अपना, ये भी अपनी एक कस्टमर की गाड़ी है। इसमें बॉडी शॉप का काम है, इसमें बेसिकली क्या है, आगे का मेन शीशा टूटा हुआ है और वो काम जो है वो इंश्योरेंस है जिसकी वजह से भी रुका हुआ है, तो अभी इसका क्लेम वगैरह डालेंगे। उसके बाद में फिर ये गाड़ी आ जाती है मारुति की स्विफ्ट, तो इसमें भी बॉडी शॉप का काम है, इसका ये रियर बम्पर वगैरह इसमें चेंज होना है क्योंकि इसमें ये काफ़ी पेच वगैरह लगे हुए हैं। फिर इसके बाद में ये है स्कोडा की फाविया, उसके बाद में ये है अपना होंडा की एकॉर्ड, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसके ऊपर ना ये PPF लगी हुई है टेप, तो ये कम्प्लीटली टेप इसकी छुटानी है, और टेप छुटाने के बाद में इसका जो कलर है ना पूरा, तो कलर के ऊपर क्या है, किसी ने आई लव यू, किसी ने कुछ, ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं मुस्कान, कहीं कोमल, कहीं कुछ, फिर कोमल, तो ये कोई आशिक है जिसने ये पूरी गाड़ी के कलर पे कुछ लिख दिया, जिसकी वजह से कस्टमर ने पहले इसको PPF कराया था, उसके बाद अब ये पूरा पेंट हो रही है। यह है मित्सुबिशी की पजेरो जो कि एक्सीडेंट हो गई थी, पूरी बॉडी इसकी रोल कर गई थी, तो कम्प्लीटली ये इस कार में भी डेंट पेंट का काम चल रहा है, इसका डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला हुआ है, सीटें वीटें सब कुछ खुला है, ये पूरा छत वगैरह, ये पूरी छत वगैरह सब कुछ इसकी डेंट हो रही है क्योंकि पूरी गाड़ी एक तरीके से रोल हो गई थी, पलट गई थी, उसके डोर वगैरह, बाकी का इंजन वगैरह सब कुछ ओके है, इंजन वगैरह सब कुछ ओके, बिल्कुल सेफ है, इंजन में कहीं भी कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइड होंडा की अमेज, तो ये भी एक्सीडेंटल वर्क इसमें चल रहा है, ये ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उससे टकरा गई थी, जिसकी वजह से इसका जो डोर था ये वाला डैमेज हो गया था, ये वाला डोर कम्प्लीटली बेकार हो गया है, चेंज हो रहा है, फेंडर जो है वो भी चेंज हो रहा है क्योंकि वो भी काफ़ी बेकार हो गया था। उसके बाद ये है डिजायर, इसमें कम्प्लीटली बॉडी शॉप का काम चल रहा है, डेंट एंड पेंट का, ओके। उसके बाद में ये एक और होंडा सिटी जिसमें बॉडी शॉप का कम्प्लीट काम चल रहा है, इसमें भी पुट्टी वर्क वगैरह हो चुका है। इसके बाद में एक और है फोर्ड की फिगो, तो इसमें भी बॉडी शॉप का कम्प्लीट काम चल रहा है जो कि डेंट पेंट का है, साथ ही साथ कुछ सस्पेंशन वर्क वगैरह है। ये थे आज के टुडे के स्टेटस। इस साइड ये है स्विफ्ट डिजायर, जिसमें अभी अस्तर वगैरह का काम हो चुका है, पेंट का काम लगा हुआ है, और लाइट वगैरह भी इसमें भी चेंज होंगी, आगे का बम्पर वगैरह भी चेंज होगा। तो आज का कुछ इस तरीके से था सिनेरियो। तो यहाँ पर क्या था, अभी प्रेजेंट में पूरा हाउसफुल है, अगर मैं आपको यहाँ से लास्ट एंड से दिखाऊँ पूरा खड़ा हो गया। अभी कुछ गाड़ियाँ तो यहाँ कॉर्नर पर खड़ी हुई हैं जो कि मैं आपको दिखाई नहीं है, जो कि मारुति की इको वगैरह हैं, और कुछ गाड़ियाँ तो उसके पीछे भी खड़ी हैं अगर आप देखें तो, ये और दो गाड़ियाँ भी इस साइड के पीछे खड़ी हुई हैं। तो ये इस तरीके से आज वर्कशॉप पूरा हाउसफुल, की गाड़ी पूरी पीछे तक खड़ी हुई है। ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए बाहर खड़ी है वहाँ ऑडी A6 जो कि अभी जा रही है गुरुग्राम हरियाणा। अब चलते हैं बाहर की साइड। ये मारुति की वैगनार और कुछ गाड़ियाँ जैसे कि मैं आपसे कह रहा था वो यहाँ साइड में खड़ी हैं, जैसे कि ये खड़ी है एक और होंडा सिटी ओल्ड मॉडल, ये यहाँ पर खड़ी है एक टाटा की नैनो अंदर की साइड, ये मारुति की इको जो कि एक्सीडेंट के कंडीशन में आई हुई है, ये है होंडे की वरना, इसमें भी बॉडी शॉप का काम चल रहा है, ये इनोवा क्रिस्टा जो कि ये भी आगे से फ्रंट से एक्सीडेंट हो गई थी, तो यहाँ पर भी इसमें एक्सीडेंटल का काम चल रहा है। तो अभी चलते हैं बाहर। ये देखिए आप भीड़ देख सकते हैं, इस तरीके से पूरा भी लोड चल रहा है वर्कशॉप पर। अभी कुछ गाड़ी तो घर पर खड़ी हुई हैं और कुछ गाड़ियां अभी बाहर भी खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इस समय प्रेजेंट में जगह नहीं बची है गाड़ी खड़ी करने की। चलें, चलो।
अभी ये ताऊ जी जा रहे हैं हरियाणा गुड़गांव। ठीक है ताऊ जी, आराम से जाना। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। तो कम्प्लीटली अभी अपने गाड़ी का बम्पर वगैरह सब कुछ फिटिंग करके रेडी कर दिए, और ताऊ जी को थोड़ा अर्जेंट निकलना था गुड़गांव। तो गाड़ी का जो काम था वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, और अभी ये खड़ी है बाहर BMW। और ये वही गाड़ी है जो कि आपने देखी थी ससुराल से मर आती है, उसी एपिसोड में ये गाड़ी चलती रहती है। इसका आप नंबर देख लीजिए, ससुराल से मर 2 जो सीजन चल रहा है। और ये खड़े हैं संकल्प भाई, इस समय नाइट में गाड़ी को डिलीवर कर रहे हैं। और वो खड़ी है एक और पोलो आगे। अच्छा भाई, ओके, थैंक यू। आराम से है ना, कहीं नींद नहीं लगे तो आराम से ले लो, ब्रेक ले चाय वगैरह। अच्छा सर, ओके सर। ताऊ जी चलते हैं, ताऊ जी आ गए अपनी वर्दी में प्रॉपर। अच्छा भाई, ओके, थैंक यू। आराम से, ओके ताऊ जी, आराम से आना, और कहीं नींद में लगे तो आराम से रोक लेना, ब्रेक लेना चाय वगैरह का। अभी गाड़ी हो चुकी है फुल फाइनल कंप्लीट, ताऊ जी रेडी। अभी ताऊ जी बख्शीश दे रहे हैं लड़कों को, आप लोगों का वो नहीं। अच्छा सर, ओके सर। ओके ताऊ जी, राम राम जी। लाइट जला लो, लाइट आप भिजवा देंगे। हाँ बस सही है। 3 मिनट।